तो काफ़ी देर धक्के धक्के मार लिए, गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हुई नहीं है। तो हमने थार लाई है इसको टोचन करके ले जाने के लिए तारानगर। तो थार अभी आ ही रही है सामने और उससे टोचन करके इसको वापस लेके जाएंगे। शायद बैटरी वगैरह में इसकी दिक्कत आ गई है कुछ, तो ये आ गई है जी थार। इससे नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ राजस्थान के राजगढ़ रेलवे स्टेशन पड़ता है उससे और ददरेवा के पास में, जहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़े यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं जो कि गुजरात से चल कर आए थे और इनको जाना आगे हरियाणा में पानीपत पे। और आप इनकी साइज़ देख सकते हो और टायर तो इसमें इतने ज़्यादा हैं कि कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तीन आगे बड़े बड़े, ये देखो एक तीन बड़े ट्रक हैं जो कि इसको खींच रहे हैं मशीन को। और ऐसे ऐसे तीन है, यानी कि तीन जो बड़े ट्रक है या बोगी है वो पीछे खड़ी हुई है। और आप इसकी साइज़ देखो, ये हाईवे है पूरा का पूरा स्टेट हाईवे जो कि तारानगर से राजगढ़ की ओर जाता है। और अगर मैं आपको इसके टायर गिन के भी दिखाऊँगा कि इसमें है कितने टायर, तो दोस्तों ये परसों चले थे तारानगर और अभी इन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है सिर्फ और सिर्फ। तो तीन इंजन आगे इसको खींचने के लिए आगे आते हैं और ये काफ़ी बड़ी मशीनरी है गाइस, ये देख सकते हो आप। तो ये मैंने भी वीडियोस में देखी थी और आज ये प्रैक्टिकली देखने के लिए मेरे को मिल गई। ये देखो ये किसी रिफाइनरी का शायद प्रोजेक्ट है जिसकी साइज़ देख सकते हो आप काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर वर्कर वगैरह सारे के सारे सो रहे हैं। तो ये देखो टायर का जो मैं फ्रंट दिखाता हूँ आपको, दो दो चार दो छः दो आठ दस बारह चौदह सोलह टायर एक रो में है। और अगर मैं इस साइड से चलूं तो इधर आ रही है बस, तो सारी साइड में हो जाता हूँ और बस की ध्यान रखी। तो सोलह एक में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, तो चौबीस इस प्रकार की रो है और एक रो में सोलह टायर लगे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने टायर इसमें लगे होंगे। और ऐसे ऐसे वहाँ पे तीन खड़े हुए हैं, दो पीछे की साइड में है वहाँ भी चलेंगे जिसकी दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये इधर पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो दोस्तों ये मशीनरी है, इनको क्रॉस करने के लिए कुछ फ्लाईओवर भी तोड़ने पड़ते हैं, कुछ नहर वगैरह को भी तोड़ना पड़ता है। साथ ही ये देखो भेड़ बकरी आ रही है, ये भी आज काफ़ी मिल गए थे और मौसम भी काफ़ी सही था, वैसे बरसात भी हो गई थी रास्ते में। तो ये देखो आप इसकी साइज, अब पता नहीं ये कहाँ लगने वाला है। तो एक ये हो गया, इनके आगे एक टीम चलती है जो कि देखती है कि रास्ता कैसा है, उसके बाद अगर कहीं जैसे नहर आ गई तो उसको तोड़ना पड़ता है, मतलब उसके ऊपर से रेत गुजार के और ये ट्रक जो है वो गुजारा जाता है। आप देख सकते हो यार कितने टायर हैं, इनमें एक भी पंचर हो गया तब भी दिक्कत है। और इनके जो वर्कर हैं वो यहाँ पे सो रहे होते हैं, जो लेबर होती है। ये गुजरात से चला था और हरियाणा के पानीपत में जाने वाला है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है और सारे के सारे हाइड्रोलिक टायर लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो रोड थोड़ी सी, ये देखो सारा का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, शोकर वगैरह कुछ भी नहीं है और ये सारे कटे फटे टायर है। तो लगभग इसको 5-6 महीने लग जाएंगे जब गुजरात से ये चला था और वहाँ तक पहुँचने में अप्रोक्सीमेटली। तो इसकी साइज़ देखो यार कितनी बड़ी है। और तीन ऐसे ही पीछे खड़े हैं, उसमें थोड़ा सा हो सकता है मॉडल वगैरह में कुछ चेंज हो, लेकिन मुझे ज़्यादा चेंज तो इसमें नहीं लग रहा। तो इनकी टीम आगे चलती है काफ़ी, जैसे 10-15 किलोमीटर आगे, और वो देखती है जैसे ये रतनगढ़ से जब निकला था, राजस्थान में एक रतनगढ़ शहर है, वहाँ से जब निकला था तो वहाँ पे एक चौराहा है उसको तोड़ना पड़ा था। और ये नहर से जब गुजरा था तो नहर को इस बार तो ये फ्लाईओवर, मतलब जो नहर अदरवाइज नहर को एक साइड से जैसे रेत से कवर करके और इस प्रकार से इसको निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे दो ट्रक और खड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। तो काफ़ी टाइम लगता है, मतलब इसको सिंपल सी बात ये है कि इसको चलाने में कुछ चीज़ें तोड़नी पड़ती है, जैसे फ्लाईओवर के नीचे से निकल नहीं सकता क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखो सामने खड़े हुए हैं दो ट्रक और, उनकी भी साइज़ देखते हैं। और ये मैं रात को आया था दोस्तों दिल्ली से, एक दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी, हमारा कोई रिलेटिव है था बच्चा जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता था और वो मिस हो गया था, मतलब मिला नहीं, वो स्कूल के लिए निकला था और बाद में घर वो आया नहीं। तो वो आज सुबह 9:30 बजे मिला है दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पे। और ये सारा कमाल है सोशल मीडिया का, क्योंकि हमने पोस्ट वगैरह शेयर कर दी थी सोशल मीडिया पे, ये राजस्थान की DI जीप है
जो कि आजकल कमी देखने के लिए मिलेगी। तो उसकी और इसकी दूरी आप देख सकते हो। तो दूसरे जो दो ट्रक हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, तो वो मिला नहीं था, तो इसलिए हमको रात को आना पड़ा था दिल्ली से अर्जेंटली। जब मैं रात को आया था तो ये यहीं पे खड़े थे, और रात को मैं यहाँ से गुजरा था लगभग 1:30-2 बजे के आसपास। तो उस टाइम ये ट्रक जो है वो यहीं पे खड़े थे। अब इनका कितना फ्यूल का खर्चा आता है, काफ़ी महंगा ये सिस्टम रहने वाला होता है। सिंगल रोड है, साइड थोड़ी सी ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी क्योंकि व्हीकल वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये इसकी साइज़ थोड़ी सी कंटेनर की जो है छोटी है। ये कोई रिफाइनरी वगैरह लगेगी, बड़ा प्रोजेक्ट है प्राइवेट पानीपत में लगने वाला है, तो उसके लिए ये बेसिकली यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं जो कि गुजरात से मैन्युफैक्चरिंग होके और रोड के रास्ते पानीपत जाने वाले हैं। ये 6-7 महीने पहले ऐसा दस्ता एक पहले भी गुजरा था, वो भी इतना ही बड़ा था लगभग। तो ये इसकी कोई वाल वगैरह है जो कि ऊपर है, और ये दो ट्रक यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये ट्रक भी वोल्वो के हैं जो कि काफ़ी महंगी कंपनी है, टाटा वाटा के ट्रक नहीं है, वोल्वो के ट्रक हैं जो कि अपने आप में बहुत महंगी। इसकी वोल्वो की बसें कारें ट्रक आते हैं जो कि विदेश वगैरह में चलते हैं। तो दोस्तों लड़का जो है मिस हो गया था, और सारा सोशल मीडिया में हमने पोस्ट डाली थी तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, और कुछ ही जैसे घंटों बाद वो मिल भी गया। तो वो क्यों मिस हुआ था वो तो अभी मिलेगा तो बताएगा, लेकिन कंफर्म हो गया कि मिल गया था। और एक कंटेनर ये है यहाँ पे, यानी कि ये तीन अलग अलग पार्ट हैं जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लद के जा रहे हैं। जो सबसे आगे वाला था सबसे ज़्यादा टायर उसी में थे। तो अभी मैं दिल्ली वापस जा रहा था तो ये रात को तो मेरे को यहाँ पे मिले ही थे, और अब भी यहाँ पे मिल गए। तो मैंने सोचा चलिए इनका रोक कर वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसी जल्दी थी नहीं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल, इनके जो वर्कर होते हैं वो यहाँ पे साइड में बैठे रहते हैं लाल झंडियाँ लेके जब ये चलता है। हालांकि काफ़ी कम स्पीड में चलता है, एक दिन में 2-3 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर तय कर पाता है, मतलब पैदल से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी लिखा हुआ है, इंजीनियर पानीपत योर सक्सेस, ये पन्नी वगैरह पे। यार ये जी राजस्थान रोडवेज सरदार से अधिक होगी। तो भाई ट्रक के वीडियो बनाते बनाते गाड़ी में आ गई है मिस्टेक, स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार के स्टार्ट कर रहे हैं। बैटरी वगैरह इसकी हो गई है कुछ, वाइपर तो बंद कर दे, वाइपर कर दे, ये ढिल्लो पड़ी, ढिल्लो बनी गई। अरे तो काफी देर धक्के धक्के मार लिए, गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हुई नहीं है। तो हमने थार लाई है इसको टोचन करके ले जाने के लिए तारानगर, तो थार अभी आ ही रही है सामने, और उससे टोचन करके इसको वापस लेके जाएंगे। शायद बैटरी वगैरह में इसकी दिक्कत आ गई है कुछ, तो ये आ गई है जी थार, इससे टो करके ले जाने वाले हैं। ये राजस्थान डीजल्स का लोगो पीछे, तो यहीं पे इसकी जो भी मरम्मत है या काम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।